लगभग सभी सभ्यताओं में यह माना जाता है कि यह दुनिया विधाता ने शुरू की। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज विधाता ने ही बनाई। लेकिन सवाल ये है कि अगर शुरुआत तब हुई तो इस दुनिया को बनाने के लिए विधाता कहाँ से आए? तो क्या समय से पहले भी कोई समय था? ये तो वो सवाल है जो पिछले 5000 वर्षों से साइंटिस्ट, फिलोसोफर और हमारे जैसे लोगों के मन में उठ रहा है। फिर 1920 के दशक में हुई एक साइंटिफिक डिस्कवरी से पता लगा कि समय कहाँ से शुरू हुआ और उसके पहले क्या हुआ था। ये कमाल था इनका, एडविन हबल। दक्षिणी कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन पहाड़ की चोटी से हबल ने एक बड़ा ही शक्तिशाली टेलीस्कोप आसमान की ओर मोड़ा। ये था हुकर 101 इंच टेलीस्कोप। उससे आसमान को देखने के बाद वो ब्रह्मांड का सही पैमाना बताने वाले पहले शख्स बन गए। हबल ने देखा कि धुंधले आसमान में दिखाई देने वाले छोटे छोटे पैच गैसों के बादल नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि कई हजार करोड़ों में थी। उनकी यह खोज बड़ी ही अहम थी और उन्हें देखने के बाद हबल एक बड़े ही अहम नतीजे पर पहुंचे। ब्रह्मांड फैल रहा है, हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर हम इस तस्वीर को समय में पीछे ले जाएं और सारी गणनाओं को एक मेमन पर ले आएं तो हमें ब्रह्मांड की एक इन्फिनिटली स्मॉल, इन्फिनिटली डेंस शुरुआत मिलेगी। साइंटिस्ट ने इस इनिशियल स्टेट को एक नाम भी दिया है, सिंगुलैरिटी। बिग बैंग से पहले कब और कहां का सवाल नहीं था। अगर हम टाइम को उस सिंगुलैरिटी से आगे ले जाएं तो हमें मिलता है बिग बैंग। वो एनर्जी और मैटर का ऐसा धमाका था जिससे हर वो चीज़ बनी जिसे आज हम देख रहे हैं। उससे ही स्पेस और टाइम भी बने। जब सारा रेडिएशन और मैटर अलग अलग दिशाओं में फैल गए तब हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ग्रेविटी की वजह से मैटर एक दूसरे से मिले और तारों का जन्म हुआ, फिर वो फट गए। बाद में धूल और पत्थरों के घूमते हुए गोले नए तारों के आसपास जमा होने लगे और फिर बिग बैंग के कुछ सौ करोड़ साल बाद हमें मिले पृथ्वी जैसे ग्रह। ये दिमाग हिलाने वाली कहानी एक नई आस्था बन गई। मगर लाख मजबूत होने के बावजूद बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी ही थी। 40 साल बाद इस थ्योरी को एक प्रूफ मिला। बात है 1964 की, जब रॉबर्ट विल्सन और एनरो पेंजिया दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर क्रॉफर्ड हिल्स की पहाड़ी पर बने बेल लैब्स में आसमान के माइक्रोवेव की स्टडी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप बनाया था जिससे वो रेडियो वेव का यूज़ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में कर सके। उन्होंने टेलीस्कोप इतना अच्छा बनाया था कि बैकग्राउंड से कोई नॉइज ना आए, लेकिन बार बार एक रहस्यमयी आवाज़ उनके रेडियो सिग्नल में इंटरफेयर कर रही थी। दोनों ने हर मुमकिन कोशिश की, एंटीना साफ किया, रिसीवर्स को लिक्विड हीलियम से ठंडा भी किया, मगर आवाज़ आती रही। सारी कोशिश करने के बाद भी जब आवाज़ बंद नहीं हुई तो उन्हें लगने लगा कि आवाज़ गैलेक्सी के बाहर से आ रही है। दूसरे साइंटिस्टों से बात करने के बाद विल्सन और पेंजियाज इस नतीजे पर पहुंचे कि आसमान के हर कोने से उसी आवाज़ के आने का मतलब है कि वो किसी बड़ी कॉस्मिक इवेंट की हल्की गूंज है। 40 साल तक साइंटिस्ट्स के स्पेकुलेशन और कैलकुलेशंस के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि ये आवाज़ ब्रह्मांड के वक्त की थी। वो आवाज़ बिग बैंग के बाद गर्मी की बची कुची आवाज़ थी। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन नाम दिया गया। इसके साथ ही टाइम और स्पेस के जन्म की तस्वीर उभरने लगी। उस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की अचानक हुई खोज के लिए उन दोनों रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स को 2006 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ब्रह्मांड के जन्म के वक्त की तस्वीर को देखने के लिए हमें एक रॉकेट की जरूरत थी। 2001 में नासा ने विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब यानी WMAP को लॉन्च किया ताकि साइंटिस्ट ब्रह्मांड के जन्म की तस्वीर ले सके। दो साल बाद WMAP का नतीजा आया, उसने नए बने ब्रह्मांड की बिल्कुल साफ तस्वीर दी जो उस वक्त केवल 3,80,000 साल का था। WMAP तस्वीर ब्रह्मांड के जन्म के वक्त की बची कुची रेडिएशन की तस्वीर है। मगर एक सवाल अभी भी है कि सिंगुलैरिटी और 3,80,000 साल बाद की WMAP तस्वीर के बीच क्या हुआ था। WMAP तस्वीर में कलर्स तो बहुत ही वाइब्रेंट है, उससे पता चलता है कि ब्रह्मांड के टेम्परेचर में बहुत ही मामूली सा अंतर था। इसका मतलब तो यह हुआ कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत ही स्मूथली एक्सपेंड हुआ है। लेकिन अगर बिग बैंग एनर्जी और मैटर का एक जबरदस्त धमाका था तब तो ब्रह्मांड को बड़ा ही अनइवन और मैसी होना चाहिए था, क्योंकि कन्वेंशनल एक्सप्लोजन से तो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखर जाती हैं। इस पहेली को एलन गूथ की कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया। कॉस्मिक इन्फ्लेशन तब शुरू हुआ जब कुछ नहीं से कुछ बना, एक सेकेंड के करीब 1,00,000 करोड़वें भाग के बाद। फिर उस पल में जो हाईली कंप्रेस स्पेस बना उसमें फोर्स फील्ड भी थी। उस वक्त ब्रह्मांड काफ़ी छोटा था और बहुत स्मॉल लेवल पर ग्रेविटी रिपल्सिव नेचर की होती है जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा।
यह फैलाव किसी कन्वेंशनल एक्सप्लोजन की तरह एक पॉइंट पर नहीं बल्कि स्पेस का हर एक पॉइंट फैल रहा था। इसे एक गुब्बारे से समझा जा सकता है। जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो पूरा गुब्बारा फैलता है। गुब्बारे में बनी हर एक चीज एक दूसरे से दूर जाती है। एक सेकेंड के बहुत ही छोटे भाग बाद ब्रह्मांड करीब 1,00,000 गुना बड़ा हो गया। बिग बैंग के साथ जब इन्फ्लेशन जुड़ा तो वो एक 3-act प्ले बन गया। एक्ट 1 में अचानक कहीं से एक सिंगुलैरिटी आई जिसका कोई तय वक्त नहीं था और इस एक डॉट के अंदर हमारी ब्रह्मांड की सारी एनर्जी समाई हुई थी। एक्ट 2 में इन्फ्लेशन की वजह से अचानक ही बड़ी तेजी से अंतरिक्ष का एक्सपांशन होने लगा। बड़ा ही स्मूथ एक्सपांशन जिसमें एनर्जी बहुत कम फैल रही थी और ब्रह्मांड में सब कुछ तरतीब से फैला हुआ था। एक्ट 3 में ब्रह्मांड ठंडा हो गया, मैटर ग्रेविटी की फोर्स की वजह से आपस में जुड़े और उससे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने। इस तरह बिग बैंग एक बड़ा धमाका नहीं बल्कि सिंगुलैरिटी से एक्सपेंड होकर आज के ब्रह्मांड बनने की थ्योरी है। ज़्यादातर साइंटिस्ट इस थ्योरी को मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हुआ वो ऐसा ही हो। असल में किसी ने ये सब होते हुए तो देखा नहीं।